फिल्म में हमने पुलिस की यूनिफॉर्म में कई दबंग हीरोज देखे हैं लेकिन मैं आज आपको टेलीविजन की दबंग हीरोइन से मिलवाऊंगी जिनका नाम है कविता कौशिक हाय कविता वेलकम टू डेन न्यूज एंड वेलकम टू चंडीगढ़ थैंक यू सो मच सबसे पहले मुझे बताइए हाउ डू यू फील इन पुलिस की वर्दी आई फील लाइक तो अगर कंपेयर तो नहीं करना चाहूंगी लेकिन फिर भी किस तरह की कॉप हैं आप इज इट लाइक सलमान खान जैसे दबंग में हैं आप ऐसी एफ आई में एफ़ आई आर पहले स्टार्ट हुआ था दबंग बाद में आई सलमान खान चौटाला जैसे <laughs> वो एक बड़ा मीडियम है और वो एक बड़े सुपर स्टार हैं तो कंपेरिजनज इनविटेबल है लेकिन सलमान एक बहुत अच्छे आदमी हैं और वो खुद अपने मुंह से कहते हैं दैट वो एफ आई आर देखते हैं और उनको दबंग करने का आइडिया ये शो देख कर ही आया सो so, जैसे कि आप चंडीगढ़ आई हैं तो सबसे पहले वट इज़ द पर्पज़ टू विज़िट चंडीगढ़ वोपस टू विजिट चंडीगढ़ सबसे पहले तो आई लव पंजाब आई लव पंजाबीज पंजाबी खाना पंजाबी लोग बड़े यू you नो know, खुले दिल के होते हैं बड़े साफ दिल के होते हैं बड़े पार्टी करने में बड़ा यू you नो know, तो थोड़ी पार्टी करने आए हैं हम लोग हमने कहा पंजाब चलते हैं थोड़ी पार्टी शार्टी करते हैं और एफ के फैंस से मिलते हैं एफ आई के थाउजेंड एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं तो हाउ डू यू फील और ह, मतलब हजार एपिसोड तक जुड़े रहना कैसा एक्सपीरियंस था इट्स hmm, क्या यू कैन कॉल मे लंबी रेस का घोड़ा मम्मी तो हमेशा मुझे कहती थी कि एक घोड़ी जैसी हो गई पढ़ाई नहीं करती घोड़ी जैसी हो गई ये नहीं करती कमरा गंदा रखती है अब सच में लोग मुझे घोड़ी ही कहेंगे क्योंकि लंबी रेस की घोड़ी हो गई हूँ और लेकिन जोक से पार्ट बहुत अच्छा लगता है आठ साल हो गए मेरी त्वचा से मेरे शो की उम्र का पता नहीं चलता <laughs> तो, एक ऑनर है इट्स एन ऑनर तो यू नो आजकल शोज़ दो दो महीने में बंद हो जाते हैं इतना लंबा एक शो चलाना ऑडियंस उसे इतना प्यार करती है थोड़े दिन पहले मैं एक मूवी थिएटर में गई थी वहाँ एक आदमी आया और उसने मुझसे कहा काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी था और आ, उसने मुझसे कहा कि उसकी माँ बहुत बीमार है और आ, उनको डायबिटीज़ है और, आ, और भी कुछ मेडिकल टर्म उन्होंने यूज़ किया मुझे समझ में नहीं आया और वो बिस्तर से उठ नहीं सकती और उनके लिए टी तक देखना मना है क्योंकि वो कोई एग्जर्शन या स्ट्रेस नहीं ले सकती वो रोज़ एफ देखती हैं और उस आदमी ने मुझसे ये कहा कि वो आधा घंटा जो एफ़ एफ़आईआर देखती हैं उसमें वो अपनी ज़िंदगी जी लेती हैं तो थैंक यू सो मच और उस आदमी की आंखों में आंसू थे आई थिंक ये बहुत ऑनर की बात है और ऐसे प्यार के जस्चर से आई एम सो ब्लेस्ड लोग बहुत प्यार करते हैं शो को आपके शो के थाउजेंड एपिसोड्स पूरे हुए हैं तो क्या आगे कोई लीप लेने का इरादा है कुछ नया दिखेगा हमें लीप नहीं अनलीप हो गया है नया लड़का आया है नया रोमांस देखने को मिलेगा जहाँ शोज़ में लीप्स लेते हैं यहाँ आई थिंक सब पीछे पीछे जा रहा है नया नया रोमांस होता है चौटाला भी यंगर होती जा रही है आई थिंक नए जैसे जब मैंने दोबारा ज्वाइन किया तब से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है लुक के लिए शो के लिए नए ट्रैक्स जो हैं उसके लिए और अब यू you नो know, अच्छा गुड लुकिंग गबरू जवान लेके आए हम लोग तो नया रोमांस देखने को मिलेगा तो किस तरह की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री होगी आपकी और ये जो आपका नया गबरू जवान है एक्चुअली इनको मैंने आते ही चांटा लगा दिया था एज इन चंद्रमुखी ने चांटा लगा दिया था इनको आते ही तो ये थोड़ा सा डर के रहेंगे चंद्रमुखी से कि यार ये तो कभी भी कुछ भी कर देती है और चंद्रमुखी थोड़ी सी एम्बेस्ड रहेगी कि, कि यार मैंने सीनियर इंस्पेक्टर को चांटा लगा दिया वो वर्दी में नहीं थे तो ये गलत फहमी में उनको चांटा मार देती है तो वो थोड़ी एम्बेरेस्ड रहेगी कि यार मैंने यू you नो know, चांटा लगा दिया अच्छा नहीं है तो एक थोड़ा सा अटपटाहट रहेगी और फिर देखिए ग्रेजुअली एक दूसरे के प्रति ये लोग आकर्षित भी होंगे और फिर नोक झोंक होगी थोड़ी बहुत मज़ा आएगा तो जैसे आप चुलबुली हैं सेट्स पर बहुत शो पे दिखता है तो घर पर भी क्या आप ऐसी हैं बहुत मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और मेरी सारी एनर्जी इसी तरह की नोटिनस और चुलबुलाहट करते हुए निकलती है और मज़ा आता है आई थिंक तभी फिट रहती हूँ वरना मोटी हो जाती तो क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं आगे हम आपको क्या करते हुए देखेंगे नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट एक आध फिल्में हैं पाइपलाइन में जो जिनकी चल रही है शूटिंग उसके बारे में बात करेंगे कभी और फिलहाल एफआईआर बहुत अच्छा चल रहा है और टीआरपी वापस अच्छी हो गई है और इसी तरह लोग देखते रहें यही हमारी यू नो उम्मीद है यही हमारी आशा है क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हम अभी शूट कर रहे हैं बना रहे हैं और अच्छा रहेगा मज़ा आएगा थैंक यू वेरी मच इट मच्छ लवली सी यू टू सब टीवी के शो एफआईआर में एक नई एंट्री हुई है जिनका नाम है विपुल रॉय जो इस शो में भोला पंडित का कैरेक्टर निभाते हुए नजर आएंगे और ये हमारे साथ हैं हाय विपुल हाय वेलकम टू डेन नाइट न्यूज एंड वेलकम टू चंडीगढ़ थैंक यू सो मच सभी दर्शकों को प्यार भरा सत और uh, uh,

And I eventually found that everything is very pretty about Chandigarh. Uh, there's nice food, nice roads, nice ambience, uh, a hill station close by, um, uh, the liquor is cheap, and uh, the, uh, the food with the people are nice. So everything eventually uh, yeah. makes your day. So, if I you experience? Your show? शो का एक्सपीरियंस अभी मैंने शुरू किया है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फर्स्टली ऑल प्रेजेस टू द टीम विज नेवर लेट मी फील दैट आई एम अ न्यू गाय इन देयर टीम इन देयर लेगेसी ऑफ एपिसोड्स एपिसोड बीन कंटिन्यूइंग विथ नाउ द फन इज दैट ऑल द अदर थ्री एक्टर्स गोपी बिल्लू एंड कविता चंद्रमुखी दे हैव ह्यूज एक्सपीरियंस एंड आई हैव द फ्रेशनेस सो द फ्रेशनेस इज गोन टू इमर्ज इन टू Uh, the experience. so now the fun is to watch whether the freshness will take over the experience or the experience will itself take over the freshness to uh, तो हम आपको इस शो में किस तरह के कैरेक्टर में देखेंगे uh, जी ये यूपी aaye आए हैं senior सीनियर jinki जिनकी uh, अभी अभी मतलब जिनकी uh, एंट्री हुई है शो में और इमाम चौकी में एक एंट्री हुई है और ये चंद्रमुखी की सीनियर है और चंद्रमुखी uh, के जो नीचे जो जू, जूनियर्स रहते हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि यार ये सीनियर अफसर आ गए हैं अभी अपने हुक्म चलाएँगे और फिर मैडम भी अपना हुक्म चलाएंगे तो आज तक मैडम जो है वो रूल करती आई हैं अब इन पे कोई रूल करने वाला आ गया यार ये खलने वाली बात है तो मजे की बात है कि को भी थोड़ा खलना चाहिए और फिर मैं कैसे अपनी जगह बनाता हूँ सफर रहेगा मेरा तो इस शो में कौन किसे डोमिनेट करेगा मतलब like आप चंद्रमुखी को डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे एन... क्योंकि आप सीनियर इंस्पेक्टर एज अ सीनियर इंस्पेक्टर आ रहे हैं नहीं मैं हमेशा कोशिश करूंगा लेकिन एंट्री जो हुई है मेरी कल आ, एपिसोड में वो इस तरह से हुई है कि एक लड़की खड़ी है और मैं उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा हूँ चंद्रमुखी को मिसअंडस्टैंडिंग होती है कि यार मैं उस लड़की को छेड़ छेड़ाऊँ और वो दौड़ के आती है और ऐसे जैसे उसका स्टाइल है जैसे उनका स्टाइल है वो वो पलटती है मुझे एक तमाचा रसीद देती हैं और वो पूछती भी नहीं है कि आप कौन हैं कैसे हैं क्यों हैं और वो चली जाती हैं जब उनको पता जब मैं चौकी में एंट्री करता हूँ तो वो शॉक टेंगे देख कर कि अरे यार मैं मतलब ये तो मेरे सीनियर हैं और वो सॉरी वॉरी बोलती हैं और सब लोग बड़े क्यूरियस है कि मैडम ने सॉरी क्यों बोला और मैं छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैडम आप बताइए नहीं किसी को नहीं तो हमारी जो रिस्पेक्ट है वो सस्पेक्ट में चली जाएगी बिकॉज अब आपने तमाशा मार दिया सीनियर ऑफिसर को वो गलती से हो गया आपसे तो अब जो है जब भी मुझे उनसे एक सॉफ्ट मोमेंट क्रिएट होगा तो मुझे अपना वो तमाशा याद आएगा और हर बार डरते डरते जो भी काम करना है वो किया जाएगा तो जैसे अक्सर चंद्रमुखी को तमाचा मारे हुए देखा जाता है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एंट्री के साथ ही तमाचा आ, मुझे तो हमारे अब अब तो दौर ऐसा चल रहा है जहाँ ब्लैकबेरी और व्हाट्सएप और ये सब स्टेटस पे आते हैं तो बड़े लोगों ने लगाए बड़ी तमाचेदार एंट्री है आ, बड़ी खूब एंट्री है और आ, आ, गालों पे अब ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ब्लश ऑन ब्लशन ऑन या कुछ मेकअप करने की जरूरत पड़ेगी नेचुरली इनके रहते हुए हाँ वो जो लाली है वो बरकरार रहेगी नहीं जस्ट स्की बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं एक आ, मुझे एक नए एंट्री की तरह ये लोग दे रहे हैं हम दोस्त बन गए हम लोग सब लोग और कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग एंड गिव एंड टेक और ये पर्सनल टाइमिंग से आता है कविता जो करती है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है गोपी जी करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, है बिल्लू करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं भी पर्सनल एक्सपीरियंस में एड ऑन करना चाहता हूँ और वो चल रहा है जैसे कि अभी शो में कॉमेडी करते हुए दिख रहे हैं तो इज इट समथिंग लाइक दैट दिस इज फर्स्ट टाइम या आप पहले भी कॉमेडी करते हुए नजर आएँ नहीं ईमानदारी से बोलूँ तो आ, ये पहला कॉमेडी शो है तो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस कॉमेडी कर पाना कितना आसान या मुश्किल है आपके लिए क्योंकि ये आपका पहला एक्सपीरियंस है हव oh, अब ये जरा सा मुश्किल सवाल है कितना आसान हो कितना मुश्किल है लेकिन येस कॉमेडी इज़ नॉट वेरी इजी जॉब बिकॉज इट डजन अलाउ यू टू बी इन योर स्पेस कि आप यहाँ वहाँ घूम रहे हैं फ़ोन पे बात कर रहे हैं और फिर अचानक डायरेक्टर ने बोला शॉर्ट रेडी देने तो कहा जरा करता हूँ आपको फोन फोन काटा और टेक दे दिया क्योंकि अगर सीरियस रोल होता है ना तो आदमी को सिर्फ डायलॉग याद करने की जरूरत पड़ती है कॉमेडी में आपको एक एक मोमेंट ये कब पलटेगा आपको कब पलटना है कब और जिस तरह के एक्टर्स हैं वो तो एक एक वो एक एक पॉज भी जो बिटवीन द लाइन स्पेस होता है एज एन एक्टर वो भी एक्सप्रेस करते हैं तो बैठ के देखना जब मैं सीन नहीं कर रहा होता एक्सपीरियंस कि यार कविता के साथ मैचअप अच्छा करने के लिए क्या तैयारी करते हैं आप कुछ प्रिप्रेशन वगैरह या कविता कविता ने आपको कोई टिप्स दी नहीं वो आ, शुरू बस तमाशा ही था जो एक टिप के रूप में मेरे पास आया उन्होंने कहा ये तमाशे को तुम बेहतर काम के लिए रखना और नहीं वेरी स्वीट यार कविता के अंदर एक बहुत मासूम सी छोटी सी लड़की है जो कि ऑफ द कैमरा हमेशा दिखाई देती है और जब वो वर्दी में नहीं होती हैं तो वो एक पैंगस्टर की तरह यहाँ से वहाँ एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी एक टेबल ते दूसरी टेबल पर उछल रही होती हैं वो देख वो जो एक सीरियस इमेज होती है ना कभी जैसे हम लोग एक सीरियस इमेज एक्टर के लिए गेन करते थे कि यार ये बड़ा कड़क लग रहा है मुझे तो वो कड़कता जो है ना वो ज़रा फेड हो गई और फिर वी जेल्ड अराउंड वी बॉन्डेड वेल एंड एवरी बडी इन द यूनिट इज़ वेरी स्वीट तो मेरे ख्याल से अब जो कॉमेडी आ रही है निकल के विच इज़ बीन अप्रिशिएटिंग तो आगे हम आपको क्या करते हुए देखेंगे वट विल बी सी विल बी सीन यू डूइंग नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम द शो अब अपार्ट फ्रॉम द शो अभी तो मैं शो के लिए ही कमिटेड हूँ शो नहीं अधिकतर समय ले लिया है पूरे महीने का तो अब यही सब तक तो ये शो चलता रहेगा मैं चाहता हूँ कि अब जब कॉमेडी में हाथ डाला है तो पूरी अच्छी तरह से एक बार कॉमेडी को निकाल लिया जाए और इतना बड़ा एक शो है जिसमें एंट्री हुई है तो मैं चाहता था कि यार ये अभी शो में पूरा कॉन्सेंट किया जाए मैं अभी कुछ और नहीं कर रहा हूँ इस शो के अलावा थैंक यू पुल सो लवली टॉकिंग टू सेम हियर प्लेजर तो ये थे हमारे साथ विपुल उर्फ भोला पंडित जिनकी एंट्री इतनी तमाचेदार हुई अब देखना ये है कि इनको लोग कितना पसंद करते हैं कैमरामैन सुखजिंदर रोमाना के साथ जोचना पार्टनी रेन नाइट न्यूज़ चंडीगढ़ खबर दे दुनिया विच आओ साडे नाल कदी भी टिकितो भी जुड़ो आपा मिलंगे फेसबुक ते असि दिखांगे यूट्यूब सानू फॉलो करो ट्विटर ते खबर न जुड़े रहो दिन रात